वीरू की फैमिली का वास्ता देकर सही समझाएगी सभी को कि क्यों वो विराट से शादी नहीं कर सकती। बाबा से शादी कर ली तो वीनू दादा का परिवार टूट जाएगा। लेकिन क्यों आए? क्योंकि जैसे एक गमले में एक ही पौधा रह सकता है ना, वैसे एक फैमिली में एक ही आई बाबा रह सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि वीनू दादा का परिवार टूट जाए? नहीं। इसलिए बाड़ा हमें यहाँ से जाना होगा। आप अपने बाबा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सई ले जाएगी विराट को खींच कर बच्चों के सामने से ताकि बच्चे कोई तमाशा ना देख पाए। क्या कर रही हो विराट? देखो मैं बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज सभी को ले जाने दो। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम मेरी बेटी को मुझसे? विराट कर देगा सही से साफ साफ मना कि वो सभी को उसे कहीं नहीं ले जाने देगा। नहीं, हरगिज नहीं। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की? जब हरकतें घटिया हो ना, औरों की बातें चुपती हैं, बुरी लगती हैं। जब इंसान की सोच घटिया होती है ना, तो उसे दूसरे लोगों की सही हरकतें भी घटिया लगने लगती हैं। और जब वो अपनी इस गंदी सोच को अपनी जबान पे ले आता है ना, तो वो सबको दिखा देता है कि वो खुद कितना घटिया इंसान है। मिस्टर विराट सवाल, आइंदा से तुम मुझसे बात करो तो अपनी जबान को अपने काबू में रखो। विराट अपने डिसीजन पर अड़ा रहेगा कि वो किसी भी कीमत पर सभी को नहीं जाने देगा। सुन लो सही, मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाएगी, मुझसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। और तब का क्या, जब तुमने एक नहीं दो बार मुझसे मेरा वीनू छीन लिया था, मेरे बेटे को अलग कर दिया था मुझसे, मेरी इजाजत के बगैर तुमने पत्र लेखा को दे दिया था मेरा बेटा, और अब तुम मुझे मेरी बेटी को ले जाने से रोक रहे हो। गलती हुई थी मुझसे, सुधारना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं वीनू को तुम्हें वापस देना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी अपनी पुरानी जिंदगी वापस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वो भी मंजूर नहीं था।